हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू कंज्यूमर एबीएस। ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू 2020 टीवीएस एनटॉर्क रेस एडिशन BS6। बहुत ही लंबा नाम है और इसके फीचर की लिस्ट भी बहुत लंबी है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और फुल इन्फॉर्मेशन आप लेकर जाएं। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि ₹1 लाख ऑन रोड प्राइस के अंदर ये स्कूटर आपके लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट क्यों बन सकती है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके कलर ऑप्शन के बारे में। तो एनटॉर्क रेस एडिशन में अभी आपको येलो और रेड कलर वाली ऑप्शन ही मिलती है। इसके अलावा और भी कलर ऐड करनी चाहिए थी, जैसे कि वाइट कलर हो गई और ब्लू कलर वेरिएंट हो गई, तो और भी बेहतर हो सकता था। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पर आपको मिलता है। फ्रंट फेंडर पे आप रेड और ब्लैक कलर की फिनिशिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्क ब्रेक की क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। फ्रंट में पियानो ब्लैक फिनिशिंग की यूज़ भी की गई है। इसके अलावा जो ऊपर का पार्ट है जहाँ पे इंडिकेटर है, वहाँ भी आपको रेड और पियानो ब्लैक फिनिशिंग आपको मिलती है। काफ़ी अट्रैक्टिव और स्पोर्टी डिज़ाइन आपको मिलता है। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, ये फुल्ली डिजिटल फुल्ली लोडेड इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। ब्रेक्स के मामले में भी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। यहाँ पे 220 mm का रोटो पेटल डिस्क आपको मिल जाता है सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के साथ, जो आपको ब्रेकिंग में काफ़ी बेहतर हेल्प करने वाली है। इसके अलावा फ्रंट में एनटॉर्क रेस एडिशन की भी ब्रांडिंग आप देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों हैंडल बार की क्वालिटी भी काफ़ी टॉप नॉच, एकदम अच्छी क्वालिटी की मिलती है। यहाँ पे इंडिकेटर्स जो हैं ये आपको बल्ब टाइप के मिलते हैं, अगर ये LED होते तो और मज़ा आ जाता। इसके अलावा स्मार्ट एक्स कनेक्ट की ब्रांडिंग आप देख सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है और यहाँ पे रियर व्यू मिरर का भी डिज़ाइन आप देख सकते हो। इसके अलावा जो यहाँ पे स्विचेस की क्वालिटी है, यहाँ पे देख सकते हो लाइट्स, इंडिकेटर, हॉर्न के कंट्रोल, ये काफ़ी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी के मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हैजार्ड लाइट का भी स्विच मिल जाता है, जो आपके रेनी कंडीशन और फॉगी कंडीशन में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। सबसे खास और सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। यहाँ पे टेल्टेड लाइट्स आप देख सकते हो, फ्यूल इंजेक्शन, लो फ्यूल के इंडिकेटर, इको मोड और पावर मोड की लाइटनिंग है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट कंसोल के ऊपर। मोड्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा जो डिजिटल पार्ट है, यहाँ पे 3 ट्रिप मीटर आपको मिल जाता है, ओडोमीटर है, स्पीडोमीटर है, लैप टाइमर जैसे फीचर हैं, स्पोर्ट मोड है, स्ट्रीट मोड आपको मिलता है, फ्यूल गेज आपको फुल्ली डिजिटल मिलता है। इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। यहाँ पे SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट जैसे फीचर मिल जाते हैं और नेविगेशन असिस्ट भी आपको फीचर मिल जाता है। इन सभी फीचर्स के हिसाब से काफ़ी बेहतर आपको वैल्यू फॉर मनी पैकेज मिलती है अंडर 1 लाख रुपीज़। इसके अलावा चाबी का डिज़ाइन आप देख सकते हो। यहाँ पे जो अंडर सीट स्टोरेज है, ये मोर देन 20 लीटर्स का है, एक काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिलता है। यहाँ पे आपको अंडर सीट लाइटनिंग यहाँ पे दी गई है, USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जो आप मोबाइल चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी गैजेट चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों पीछे की तरफ आप देख सकते हो काफ़ी यूनिक लोगो डिज़ाइन आपको मिलता है एनटॉर्क 125 का। रेस एडिशन की ग्राफिक्स यहाँ पर आपको मिल जाती है। एक खाली छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि जब आपको अंडर सीट स्टोरेज को एक्सेस करना है या फ्यूल लीड ओपन करना है तो पीछे की तरफ आपको चाबी लगानी पड़ेगी। अगर ये कॉम्बिनेशन लॉक फ्रंट में ही दी जाए तो और बेहतर हो सकती है। यहाँ पे दोस्तों पीछे की तरफ आप देख सकते हो रिफ्लेक्टर जैसे फीचर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा इंजन की बात करी जाए तो यहाँ पे अभी आपको 3 वेल्व 125 सीसी का इंजन मिलता है, जो रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ मिलेगी। अभी इंजन काफ़ी अच्छी हद तक रिफाइंड है, काफ़ी अच्छी माइलेज है
और इसका एग्जॉस्ट नोट भी काफ़ी स्पोर्टी मिलता है। यहाँ पे 9.4 पीएस का मैक्स पावर प्रोड्यूस करती है स्कूटर और 10.5 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क। अगर आप इसको BS4 के साथ कंपेयर करेंगे तो 0 टू 60 के रन में आपको ये 1.6 सेकंड स्लोअर महसूस होगी और एक्चुअली में ऐसा है भी। यहाँ पे दोस्तों पावर और टॉर्क के मामले में तो कमी नहीं हुई है, बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होने वाला है आपका काफ़ी बेहतर होने वाला है। पीछे का टायर प्रोफाइल 110/80/12 इंचेस के मिलते हैं। ये टायर आपको TVS रेमोरा की तरफ से मिलते हैं। इसके अलावा डायमंड कट अलॉय व्हील का डिज़ाइन आप देख सकते हो। काफ़ी चंकी बोल्ड टायर्स आपको मिलते हैं। ये आपको रोड ग्रिप जो है काफ़ी अच्छी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है टायर को लेकर के। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक की और माइलेज की। तो 5.8 लीटर का फ्यूल टैंक अभी आपको मिलता है और माइलेज आप सिटी राइड कंडीशन में 45 से 50 किलोमीटर तक की निकाल सकते हो बड़े ही आसानी से। और फुल टैंक रेंज भी आपको 250 किलोमीटर के अराउंड मिल जाती है। यहाँ पे सीट आप देख सकते हो, काफ़ी लंबी चौड़ी सी सीट आपको मिलती है, कंफर्टेबल है। यहाँ पे पीछे में आपको स्प्लिट ग्रैब रेल आपको मिल जाता है। सीट के ऊपर रेड कलर की स्टिचिंग करी गई है। सीट हाइट काफ़ी अच्छी है, चाहे आप वुमेन राइडर हो चाहे आप शॉर्ट हाइट के राइडर हो, बहुत ही ईजिली आप सैडल कर सकते हो। इस स्कूटर में सबसे खास चीज़ है दोस्तों इसका हेडलैम्प डिज़ाइन। बहुत ही अट्रैक्टिव और अग्रेसिव डिज़ाइन लैंग्वेज है इसके हेडलैम्प का। टी शेप के LED DRL आप देख सकते हो, LED हेडलैम्प मिल जाता है। इसके लाइट्स काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा RTFi की ब्रांडिंग आप देख सकते हो और साइड की तरफ आपको 125 रेस ग्राफिक्स आप देख सकते हो। पीछे का जो टेल लैंप है ये भी आपको टी शेप्ड के LED टाइप के मिलते हैं। काफ़ी अच्छी लाइटनिंग यहाँ पे आपको मिलती है पीछे की तरफ। यहाँ पे और बात की जाए इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा फीचर आपको मिल जाते हैं जो इसको काफ़ी अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट कंसोल बना देते हैं। फ्रंट का जो टायर प्रोफाइल है 180/12 इंचेस के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। ये भी बोल्ड चंकी टायर्स आपको मिलते हैं डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ और 220mm का पेटल डिस्क तो आपको मिलता ही मिलता है। इसके अलावा TVS रेसिंग की ग्राफिक्स आप देख सकते हो। यहाँ पे फुटरेस्ट वाला एरिया आप देख सकते हो और भी पीछे की तरफ जो स्टिचिंग है सीट के ऊपर वो भी आप देख सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइस जो ऑल इंडिया में है, वो है अराउंड 1 लाख रुपीज़ के अंदर अंदर। हर एक जगह में प्राइसेस अलग अलग होते हैं, कहीं पे 96,000 है, कहीं पे 98 है, कहीं पे 95 है। तो ओवरऑल अगर आप एक एवरेज पकड़े तो 1 लाख रुपीज़ के अंदर ये स्कूटर आपको मिल जाती है। काफ़ी अच्छी इसकी वैल्यू है, वर्थ है। इसमें जो फीचर्स आपको मिलते हैं एकदम वर्थ बाइंग फीचर्स आपको मिलते हैं। स्कूटर की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है, माइलेज काफ़ी अच्छी है। बाकी ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।